नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जेतारण शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के निवास स्थल के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित किया गया है। अतः सभी से निवेदन है कि उक्त इलाकों के आसपास कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे तथा कोई भी हाथ ठेले वाले इन इलाकों में नहीं जाएंगे। साथ ही उक्त इलाकों के रहवासियों से निवेदन है कि आप भी अति आवश्यक कार्य के अलावा अपने घरों से बाहर नहीं निकले तथा बाहरी व्यक्तियों को उक्त इलाकों में प्रवेश नहीं होने देवे। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अति आवश्यक कार्य घरों से बाहर निकलने पर या लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन के द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का नंबर वन जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी मेरे शुभचिंतक जो भी है वो अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज लॉकडाउन 5 का प्रथम दिन है, अनलॉकडाउन का प्रथम दिन है। लाजमी बात है, शासन एवं प्रशासन ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी की जो आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी और टीवी में भी देखी होगी। बात दरअसल आज जैतारण की करना चाह रहा हूँ, तो आपने मेरे इस वीडियो से पहले जो जैतारण प्रशासन ने जैतारण शहरवासियों के लिए जो ज़रूरी ऐलान किया वो आपने सुन लिया होगा। तो बहरहाल जैतारण में इस समय कंटेनमेंट की स्थिति है और आज जैसा कि बाज़ार भी खुल रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, इस समय आपको मैं सीधा ले चलता हूँ जैतारण विधेय के पास, जो इस समय जैतारण के बाज़ार में व्यापारियों से समझे इसकर बाज़ार खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बाज़ार वासियों के एवं शहर वासियों की ये मांग थी कि जैतारण के बाज़ार जो लंबे समय से बंद थे वो बाज़ार खुलने चाहिए। दरअसल कहीं कहीं अड़चन आ रही थी, संशय की स्थिति बनी हुई थी। तो बहरहाल आप वो देखिए विधायक श्री अविनाश गहलोत क्या कह रहे हैं। वो टेम्पो जो घूम रहे हो कहीं घूमियों कोई बनी है वो आके जो सर जो कंटेनमेंट जोन 4-5 जगह है जितना ना महीने बट बन गई है। हीओ साहब बात है, हीओ साहब आके ये है कि जो 4-5-6 जगह चली फिर मरीज वाली उन माँ बैरिकेड्स करा उन 50 मीटर दायरों है उन बाद में महीने में जो बैरिकेड का सब खोल दिया। पहले बट बैरिकेड करा टेम्पोड़ा के जो सब कोई नहीं आ रही हो, बस आ एक मास्क जरूर रख लो बस और ज़्यादा ज़्यादा भीड़ नहीं रहनी, सोशल डिस्टेंस रख लो और सब मार्केट खुल गया। 3 दिन महीना रहेगा मार्केट बंद है, प्रशासन वाला चाहो भी मार्केट खुलना चाहिए पर कानून का पालन करना खुलना चाहिए बस। इतना टाइम तो प्रशासन ने आपका सपोर्ट कर दिया, प्रशासन आज अपनों सपोर्ट करी हो कि नहीं बाजार खुलना चाहिए। लोग क्या कौन व्यापारी अंदर अंदर कितना खोखला रहेगा अपन ध्यान है सब चीज़ें और कोई नहीं आ रही, सब आचाओ भी बाजार खुले और प्रशासन नहीं चाह रही बाजार खुलना चाहिए सब खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे बाजार खुल गया चेंज रहेगी और आम स्वरूप जो मैं खुद नहीं हूँ लॉकडाउन सब हो गया है जब छोटे बंद है बाकी मार्केट ये बोल तो ठीक है नहीं कोई कोनी। वो तो देखो हुनो वो तो थाने जिते चली के वो लॉकडाउन जिते वो अनाउंस है तो जाए डेली क्यों जो मरीज है वो कर रहा लोगों ध्यान देना चाहिए क्यों बोले बड़े कोई दूसरा नहीं जा सकता और वो अपने भी ध्यान है इन वहाँ से हो तो दुकान कोई दिक्कत कोनी है ठीक है। तो आपने सुना होगा जैतारण विधायक श्री अविनाश गहलोत ने आज जैतारण शहर के बाज़ार थे जो मुख्य बाज़ार थे उनको व्यापारियों से आग्रह कर उनको खुलवाया गया। दरअसल लंबे समय से उनकी मांग थी, पिछले लंबे समय से जब से लॉकडाउन की स्थिति थी तब से ये बाज़ार बंद थे, जनजीवन प्रभावित हो रहा था, आमजन इससे परेशान थे, लेकिन आज जैतारण शहर के जो मुख्य बाज़ार है उस बाज़ार को खोला गया। और हालांकि अभी तक प्रशासनिक तौर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि जैतारण के बाज़ार खोले गए हैं। हालांकि कल उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी कुछ नियम बताए थे, कुछ कारण बताए थे। तो बहरहाल आज जैतारण के बाज़ार को लेकर असमंजस की स्थिति रही, लेकिन बाज़ार
खुलने के बाद व्यापारियों के चेहरे पर कुछ न कुछ रौनक जरूर लौटी। ये अलग बात है कि बाजार खुलने के बाद ग्राहकों का पूरी तरह से अभाव रहा, ग्राहकी की न के बराबर रही, लेकिन बाजार थे वो खोल लिए गए। विदेही खुद अपने पूरे बाजार में घूमे, अल सुबह से ही वो आगे बाजार में व्यापारियों से प्रतिष्ठान खोलने का उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने विधायक जी के आग्रह पर उन्होंने प्रतिष्ठान भी खोले और प्रशासन ने बताया कि इस संबंध में जैतारण शहर को 9 भागों में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन में विभाजित किया गया। वो कौन से इलाके हैं तो मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहूँगा कि जैतारण में जो प्रशासन द्वारा जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया वो इस तरह से है, कुल मिलाकर 9 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कंटेनमेंट के रूप में उनको बंद किया जाएगा, यानी कि उस एरिया को 100 मीटर आसपास का एरिया पूरी तरह से बंद रहेगा। तो मैं सिलसिलेवार उनका आपको विवरण बता रहा हूँ। तो जैतारण में श्री शेषमल रेगर के निवास की गली रेगर को मोहल्ला जैतारण जाट छात्रावास से फूलमाल चौराहे तक पूरी भाग का मुख्य सड़क को छोड़ते हुए मकान संख्या 64 वाली गली विद्यानगर जैतारण श्री मदन गोपाल रेगर के निवास स्थान वाली गली रेगरों का छोटा बाग जैतारण श्री छेलराम कुमुत एवं गोविंदराम कुमुत के निवास स्थान के पास श्री लक्ष्मी नारायण अध्यापक जी वाली गली जैतारण श्री बद्रीलाल जी जोशी का मकान जोशी मोहल्ला जैतारण श्री बाबूलाल जी का मकान ईट पच्चों का बास गोपाल द्वार रोड जैतारण श्री गणपत लाल सेन का मकान बोमो का बास जैतारण श्री शंकरलाल माली का मकान कृष्णा कॉलोनी फौजी चौरा जैतारण। ये सभी जो मैंने नाम बताई है कंटेनमेंट जोन में रहेंगे और 100 मीटर की परिधि क्षेत्र में यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रतिष्ठान नहीं खुल पाएंगे। बहरहाल आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही इनको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया तो प्रशासन द्वारा यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए, आप देख पा रहे होंगे बैरिकेड के साथ साथ पुलिस के जवान को भी तैनात किया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रशासन को चिंता है, हालांकि प्रशासन खुद चाहता है कि जैतारण शहर के बाजार खुले, वो नहीं चाहता कि आमजन को परेशानी हो। तो बहरहाल आज जैतारण के बाजार खुलने को लेकर दिन भर संशय की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा कि विधायक श्री अविनाश गहलोत सहित व्यापार मंडल के सदस्य बाजार खुलवाने में इच्छुक थे, लेकिन प्रशासनिक तौर से अधिकृत इसकी पुष्टि नहीं की गई, न तो उन्होंने मीडिया के समक्ष की और नहीं कहीं उन्होंने कोई लिखित में दिया। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि जो ये क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो कंटेनमेंट क्षेत्र है जो बफर जोन है उस दायरे में 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की कोई व्यावसायिक गतिविधि या कोई आमजन उस क्षेत्र में आवागमन उनकी ओर से प्रभावित रहेगा यानी बाधित रहेगा। लोगों से उन्होंने ताकीद किया है कि वो अपने घरों में रहे, जरूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले। और हालांकि आज प्रशासन ने सब्जी मंडी खोलने के लिए भी अनुमति नहीं दी गई। आप देख पा रहे होंगे इस समय जो सब्जी मंडी है वो पूरी तरह से वीरान पड़ी है, जो सब्जी मंडी अस्थायी रूप से है जो आगे फौजी चौराहे पर इस समय आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो बहरहाल आज जैतारण में बाजार तो खुले लेकिन बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा था, लोग सहमे थे, दुकानदार बाजार खोलने के इच्छुक भी थे, तो कुछ दुकानदारों में इस बात का डर भी था कि कहीं प्रशासन ये कार्रवाई नहीं कर दे। लेकिन मैंने इस शहर के विभिन्न भागों का दौरा भी किया तो मुझे नहीं लगा कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, यानी बेझिझक लोग दुकानें खोल पा रहे। हालांकि वो क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जिनका मैंने जिक्र इस सिलसिलेवार आपके समक्ष किया था, तो वो क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे, यानी वहाँ किसी भी तरह का कोई ना तो हाथ ठेला या कोई लोग बाहर आ जा पाएंगे, नहीं कोई वहाँ से लोग आ पाएंगे। तो बहरहाल आप इस समय देख पा रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाले लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, वो शासकीय नियमों का पूरी तरह से पालन करें, हर तरीके से प्रशासन का सहयोग करें, जो जरूरत के जो सामान है, जरूरत जो आवश्यकता की जो वस्तु है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकले, चूंकि आपके इर्द गिर्द संक्रमित मरीज थे, हालांकि मालिक की दया से वे स्वस्थ होकर भी लौटे, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं चिंता है कि शायद उनके परिजन संक्रमित हो सकते हैं, चूंकि अभी तक 146 ऐसे सैंपल्स है जो आना बाकी, उनमें अधिकतर सैंपल्स वो है जो ये मरीज थे उनके परिजनों के थे। तो बहरहाल मैं
ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करते हुए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए। लगभग हमारा ये कोरोना महासंक्रमण को लेकर अब तक 100 से अधिक वीडियो हमने तैयार किए हैं, % गर्मी में हमने तैयार किए, बहुत सारे लोगों ने हमारा सहयोग किया, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप हमारे साथ बने रहे। हम लगातार जैतान के ताज़ा अपडेट है, जो सत्य अपडेट है, उस अपडेट को आप तक पहुंचाने का मैं और मेरा कैमरामैन लगातार प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहे। मैं आईबी खान, जैतान न्यूज़ के लिए जय हिंद, नमस्कार।